हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट। इस सीरीज में कुल 5 क्वेश्चन होंगे जो मैं बेसिक से लेके आगे के लेवल तक ले जाऊंगा। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन कि 20 संतरों का सीपी 15 संतरों के एसपी के बराबर है, यानी 20 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए भाई, जैसा क्वेश्चन में है बस आपको वैसा ही लिख देना है कि 20 संतरों का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर है 15 संतरों के एसपी के। भाई कर दो कैलकुलेशन, 5 से काटो, ये 4 बार गया, 5 से 3 बार गया, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर आ गया 3/4, यानी क्रय मूल्य कितना है 3 और विक्रय है कितना 4, यानी 3 का सामान 4 में बिका है, तो मुझे क्या हुआ है 1 का प्रॉफिट। और 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। 1 का प्रॉफिट हुआ है 3 पर × 100 बराबर 33, सही 1/3% का प्रॉफिट। और भाई ये हो गया मेरा आंसर। देखिए बस इतना ही होता है इन सवालों में और कुछ नहीं होता, और इसके बाद जो लेवल बढ़ते चले जाएंगे उनको आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगला लेवल देखते हैं कि 40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान देना कि मैंने आपको बताया था कि लाभ कब होता है। लाभ तब होता है जब एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है, यानी लाभ बराबर हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है 8 पेनों के एसपी के बराबर, तो लाभ के स्थान पर आप रखेंगे 8 पेनों का एसपी, और पेन बेचे कितने थे 40, और पेन थे कितने 40, भाई 40 पेन होंगे तभी तो 40 पेन बेचेगा। यानी अगर मैं 40 पेन के एसपी में से 40 पेन का सीपी घटा दूं, यानी मैं 40 पेन के विक्रय मूल्य में से 40 पेन का क्रय मूल्य घटा दूं, तो उससे मुझे एक प्रॉफिट प्राप्त होगा, और जो प्रॉफिट प्राप्त होगा वो 8 पेनों के विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस भाई आपको इसको कैलकुलेट कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। इस 40 को इधर ले आते हैं, तो 40 सीपी बराबर हो गया, इसको इधर ले आइए, 32 एसपी, यानी सीपी अपॉन एसपी बराबर हो गया 32/40। चाहे तो ऊपर ही काट देते, कोई दिक्कत नहीं है, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे 4 का सामान कितने में बिका है 5 में। भाई 4 का सामान 5 में बिका है, तो मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ है, और भाई 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पर होता है हमेशा सीपी पर, क्रय मूल्य पर, तो 1 का प्रॉफिट 4 पर, 1 का प्रॉफिट हुआ है 4/100 बराबर 25% का प्रॉफिट लाभ मुझे हो गया, और भाई ये हो गया मेरा आंसर। देखिए सब ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, बहुत आसानी से सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, माइंड क्लियर होना चाहिए। ओके चलो, अब थोड़ा लेवल और आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि 100 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो भाई, एक क्वेश्चन में लाभ का कराया, तो एक क्वेश्चन में हानि का भी कराऊंगा। देखो भाई, हानि होती है, और मैंने बताया था जो हानि होती है, हानि कब होती है, जब सीपी ज्यादा होता है और एसपी कम होता है, यानी हानि बराबर हमेशा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितनी हो रही है मुझे, हानि मुझे हो रही है यहाँ पर 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि के नीचे लिखूंगा मैं 20 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी मैं 100 पेनों के क्रय मूल्य में से 100 पेनों का विक्रय मूल्य घटा दूं, तो मुझे 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हो जाती है। बस भाई कैलकुलेशन कर देनी है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है 120 एसपी बराबर 100 सीपी। भाई 20 से काटो, ये 6 बार गया, और 20 से गया ये 5 बार, यानी एसपी अपॉन सीपी, सॉरी एसपी अपॉन सीपी बराबर 5/6। देखो भाई, मेरे 6 का सामान कितने में बिका है 5 में बिका है, अब 6 का सामान 5 में बिका है, तो मुझे क्या हुआ है, 1 का लॉस हुआ है, 1 की मुझे हानि हुई है, 1 की हानि, हानि हमेशा किस पर होती है सीपी पर, ये लाभ किस पर होता है सीपी पर, लाभ हानि दोनों सीपी पर ही होते हैं, तो 1 की हानि हुई है मुझे 6 पर, 1 का लॉस 6/100, और भाई मेरा आंसर आ गया 16/3% की हानि, और भाई ये हो गया मेरा आंसर। देखिए भाई, इतने आसान सवाल होते हैं। चलो अब थोड़ा अगला वाला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए कि कुछ संतरे 1 रुपए के 5 की दर से खरीदे जाते हैं तथा उन्हें 1 रुपए के 3 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ।
देखिए, खरीदे जाते हैं यानी खर्चा खरीदा गया है बेचने के लिए, तो वो सीपी बनेगा यानी क्रय मूल्य बनेगा। तो वो कहता है कि मैंने 1 रुपए के 5 संतरे खरीदे और अब 1 रुपए के 3 बेचने हैं। देखिए, जो लाभ या हानि होती है वो कभी आर्टिकल यानी वस्तुओं पर नहीं होती, हमेशा रुपयों पर आंकी जाती है। लेकिन यहाँ तो रुपए बराबर हैं, जबकि रुपए अलग अलग होने चाहिए। लाभ और हानि की केस में तो हमें करना क्या है, हम संतरों को बराबर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। भाई 3 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा और 5 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ मेरा रेशो ऐसा बन जाता है कि 3 रुपए के 15 संतरे खरीदे और 5 रुपए के 15 संतरे बेचे। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैंने 3 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पर। 2 का प्रॉफिट कमाया है 3 पर × 100 और भाई मेरा आंसर आ गया 66.2/3% का प्रॉफिट। और भाई ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे ट्रिक या तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ संतरे 5 रुपए के 3 की दर से खरीदे जाते हैं। भाई लिख दीजिए, भाई 5 रुपए के संतरे कितने हैं? 3 की दर से खरीदे जाते हैं, तो ये सीपी मान लिया हमने। और 12 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो भाई 12 रुपए के 5 की दर से बेचे। सबसे पहले मैंने कहा था लाभ हानि देखनी है, तो पहले संतरों को बराबर करें, भाई 5 से गुणा ऊपर करें और 3 से गुणा नीचे करें। 5 से यहाँ पर भी हो जाएगा और 3 से यहाँ पर। चीज़ें अब हमारी क्लियर हो जाएंगी, देखते हैं भाई। तो इससे हो गया हमारा कि 25 रुपए के 15 संतरे खरीदे थे और 36 रुपए के 15 संतरे बेचती। अब वो कहता है कि इस प्रकार वह कुल पर 143 का लाभ कमाता है। देखिए, यहाँ पर हमसे 15 संतरे खरीदता है, 15 बेचता है, 25 के खरीदता है, 36 के बेचता है, तो उसे लाभ कितना होता है? 11 का लाभ होता है, 11 यूनिट का लाभ होता है। लेकिन वास्तव में उसे लाभ होता कितना है? 143 रुपये का। देखिए, 11 का लाभ होता है जब 15 संतरे बेचता है, 143 का लाभ होगा जब वो एक संतरे बेचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11 से काटें, 11 × 11, 11 × 33, तो एक्स बराबर आ गया 15 × 13 = 195 संतरे। और भाई ये मेरा